तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोतर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज श्री गुरु पूर्णिमा तिथि, आज की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा बोल के संबोधन किया जाता है। आज के ही तिथि को स्वीकार करके इस जगत का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का आविर्भाव हुआ है। व्यास जी ना होते तो इस संसार को कोई मार्गदर्शन करने वाला ही नहीं होता। वेदव्यास जी क्या किया उन्होंने, अपौरुष दो तत्व हैं वेद, उनका उन्होंने विस्तार किया। मतलब ऐसे तत्व दुनिया के आगे प्रकाशित किया जिससे कि व्यक्ति को भगवान तक जाने का एक रास्ता अपने आप बन जाता है। ये विशेषता, बहुत सारे चीजों को व्यास जी ने किया, लेकिन विशेष रूप से एक जिसको श्रील गुरु महाराज जी अक्सर व्यास जी से जुड़ी हुई बात हम लोगों को सुनाते, व्यास देव का असंतोष को लेकर के, क्योंकि व्यास जी इस संसार के जितने भी संतप्त जीव हैं उनकी वेदना को देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो उठा। वो तो होना ही था क्योंकि जगत कल्याण के लिए ही उनका अवतार हुआ था। पराशर मुनि को और माँ सत्यवती को स्वीकार करके व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा पराशर ऋषि ने देखा कि उचित समय है, इसीलिए जगत कल्याण होना है, इसीलिए उनके आवाहन पे व्यासदेव प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए हैं, और बोलते हैं एक द्वीप के अंदर जो कि कृष्णमयी द्वीप है। मतलब चारों तरफ घनघोर अंधकार है, क्योंकि पराशर मुनि ने उस स्थान को इस प्रकार से बनाया कि चारों तरफ अंधकार है और वो एक द्वीप है। इसीलिए बोलते हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, उसके अंदर वो प्रकट हुए हैं व्यास। उन्होंने बद्रिकाश्रम के अंदर
अपने स्थान में उस गुफा के अंदर बैठकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, बहुत चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? उनका चिंता का कारण क्या है? वो बोलते चिंता का कारण यह है कि वो खुश नहीं है अंदर से, वो आंतरिक रूप से प्रसन्न नहीं है। क्यों प्रसन्न नहीं है? वो बोलते मैंने कितना कुछ जगत के कल्याण के लिए किया, अभी व्यासदेव से पहले सब कुछ सुन सुन करके ही ये कर्ण परंपरा के माध्यम से सब कुछ चलता था, उसके पूर्व लिपिबद्ध कुछ था नहीं है। व्यास जी के पहले सब एक दूसरे से सुनकर गुरु शिष्य परंपरा से, कर्ण परंपरा से ये चीज आगे चलता था। और लोग, वो लोग श्रुतिधर थे, वो लोग जो श्रवण किया उसको धारण करने में सक्षम थे, इसीलिए समर्पित होते थे गुरुपाद पद्म में और गुरुदेव कृपा करके ज्ञान का संचार करते थे। उसको वो लोग अपने हृदय में धारण करके उसी का प्रचार प्रसार किया करते थे। हम अगर 500 वर्ष पूर्व ही देखते हैं, जीव गोस्वामी के पास, शिलजीत गोस्वामी पाद के पास जो शिक्षा नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद तीनों आचार्य गणों ने प्राप्त किया था, वो सारे सदग्रंथों का जब तस्करण हुआ है, चोरी हो गया था, उस समय नरोत्तम ठाकुर और उसके बाद श्यामानंद प्रभु गुरुमुख से जो कुछ भी श्रवण करके हृदय में धारण किया उसी का अनुकीर्तन करते हुए पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, उस स्थान को भक्त बना दिया था। तो इसीलिए ये पूर्व काल में ऐसे ही होता था, वो लोग श्रुतिधर होते थे, जो श्रवण किया उसको धारण करते थे और इतना ही नहीं समर्पित होते थे, इसीलिए सब कुछ एक पद्धति से, एक क्रम से चलता हुआ आया। लेकिन जब व्यास जी आए तो उन्होंने देखा आगे की व्यवस्था ऐसा नहीं होने वाला है, अगर हम इस चीज को सही तरीका से प्रकाशित ना कर दें तो आगे चलकर अनर्थ सृष्टि होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही विचारों को आगे की परंपरा के ऊपर थोपना आरंभ करेगा, जिससे धर्म के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण हो जाएगा, क्योंकि कलयुग का प्रवेश तो हो ही रहा, कलयुग का प्रवेश हो रहा है, अनर्थ शुरू होने वाला है। वो तो दूरदृष्टा है, सब कुछ तो देख सकते हैं, इसीलिए उन्होंने संकल्प किया कि अब मुझे जनहित में इन इन कार्यों को करना होगा। बहुत कुछ किया ऐसा, वो अपौरुष शास्त्र जो वेद हैं, जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित नहीं है, उसको फिर समझेगा कोई कैसे? इसीलिए उनको समझाने के लिए उन्होंने सूत्रों की रचना की और कई सारी चीजों की रचना की, फिर पुराणों की रचना की, या यूं कहे धर्मार्थ काम मोक्ष को सिद्ध करने के लिए आवश्यक जो कुछ भी है उन सब की रचना उन्होंने कर डाला है, कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको यह बात का जो अनुभूति है कि जीव इस संसार में आया हुआ सिर्फ चार पुरुषार्थ के पीछे ही भागता रहेगा, और इसीलिए उन्होंने उन चारों पुरुषार्थों का सिद्धि जिस प्रकार से हो वो सब कुछ उन्होंने व्याख्यान कर दिया। तब भी संतुष्ट नहीं है, बड़े ही मन उदास है, वो बैठे हुए अपने आश्रम में, वो वास्तविकता में वो कैसे उदास हो सकते हैं? वो जगत को परधर्म का शिक्षा भी देने के लिए इस प्रकार का अभिनय शुरू किया, क्योंकि व्यासदेव तो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है,
व्यास जी तो साधारण मनुष्य तो है नहीं, जगत कल्याण के लिए जगत गुरु हैं, वो स्वयं अवतीर्ण हुए। मूल गुरु कौन है? कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु। उनका ही शक्ति को, शक्ति का एक रूप वही व्यास जी महाराज बन के अवतीर्ण हुआ, तो उनके अंदर असंतोष कैसे हो सकता है? जगत गुरु में असंतोष? लेकिन गुरु का ये कार्य होता है शिष्य को शिक्षा देने के लिए, वो उस परिस्थिति से गुजरते हुए बाहर आते हैं जिससे कि शिष्य को प्रेरणा दे सके। ऐसे ऊपर से आकर फरिश्ता की तरह फिर ऊपर चले गए, ऐसे काम नहीं करते। वो क्या करते हैं? शिष्य को प्रेरणा देने के लिए कि तुम भी चिंता मत करो, साधन करोगे, वस्तु को समझने का प्रयास करोगे, तुम भी अपने जीवन में अपने परमार्थ पथ पे आगे बढ़ोगे। ऐसा इसलिए व्यास जी महाराज जगत कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं? आज दुखी होने का अभिनय कर रहे हैं। और क्या शिक्षा दे रहे हैं? जब तुम्हें अपने परमार्थ संबंधी दुख हैं या कोई भी दुख है, इधर उधर धक्के मत खाओ, एक ही स्थान है, वही जाके शरण ग्रहण करो। कहाँ पे? गुरुपाद पद्म। हमारा दुख जो आंतरिक दुख है उसका निवृत्ति कोई कर नहीं सकता। शरीर से संबंधित कोई भी दुख है या भोग से संबंधित दुख है, वो शायद दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो दुख हमारा अंदर का है उसका निवृत्ति इस जगत का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। व्यास जी का आज अंदर से असंतोष है, वो क्या कर रहे हैं? अपने गुरुदेव को स्मरण कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। दुख है तो इधर उधर नहीं, गुरुपाद पद्म में जाओ, तभी दुख निवृत्ति होगा। और हम अगर इस चीज को वर्तमान समय में देखते हैं, कितना भी कष्ट हो, जब श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित ही होते थे, केवल मात्र उनका दर्शन से, केवल मात्र उनका मुस्कुराने से ही ना जाने वो कष्ट कहाँ चला जाता था। ऐसा नहीं कि ये एक व्यक्ति का भाव है, असंख्य भक्तों का यही भाव है, यही दर्शन है। क्यों? क्योंकि वो तत्व ही ऐसा है। ऐसा नहीं कि उस समय कहानी था, आज भी ऐसा। और अभी तो स्थूल रूप से परमाराध्य श्री गुरुदेव प्रकट ना होने पे भी उनकी लीला चर्चा, उनकी महिमा कीर्तन करने मात्र से ही मन एक तरह के आनंद के अंदर डूब जाता है। वो विशेषता है गुरुदेव का। ऐसे अब होता क्या है, नारद गोस्वामी को स्मरण किया उन्होंने, अपने गुरुदेव को स्मरण किया, उसी समय गुरुदेव हाजिर हुआ। ये विशेषता, शिष्य हृदय से अगर गुरुदेव को स्मरण करता है उस स्थान पर, वही पे गुरुदेव उसको मिल जाते हैं। वो जो कुष्ठ विप्र को चैतन्य महाप्रभु ने क्या आश्वासन दिया, चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी विषय का तरंग स्पर्श नहीं करेगा। बोला अगर कर लिया तो? बोलते चिंता नहीं करना, यही जगह पे तुम मुझको जरूर पाओगे। कितनी बड़ी बात है, गुरुदेव भी ऐसा ही है। वो शिष्य को आश्रय देने के बाद तुम अपना जो मर्जी करो उस स्थिति में उसका उसको रखते नहीं है। वो हमेशा जिस प्रकार से एक माँ अपनी वात्सल्यता से अपना जो संतान का प्रति जो शुभ चिंतन से सब समय उसकी रक्षा करती रहती है, लेकिन माँ इस संसार की है और शरीर में बद्ध है, इसीलिए वो सब जगह अपने संतान के साथ जा नहीं सकती, लेकिन उसकी भावनाएं जरूर जाते हैं। लेकिन गुरुदेव जो है उस जगत का वस्तु होने के कारण और आत्मविद होने के कारण, वो उनके आश्रित जो शिष्य होते हैं
उनका मंगल करने के लिए जहां जरूरत है वहां पहुंच जाते, ये विशेषता है। इसलिए नारद गोस्वामी को स्मरण करते वो वहां पहुंच गए। ले मैं आया, बोलो क्या समस्या है। उनको पता ही है, गुरुदेव तो सर्वांतर्यामी, उनको क्या नहीं पता, लेकिन फिर भी पूछते हैं। जब शिष्य निष्कपट भाव से अपने हृदय को गुरुदेव के आगे खोल देता है तो वो जो कृपा होता है वो बड़ा ही अद्भुत होता है। यद्यपि गुरुदेव सब जानते हैं, लेकिन सद शिष्य का ये धर्म होता है वो स्वयं को कभी भी गुरुदेव के आगे छिपाए नहीं। और मैं इस बात के लिए मेरे बड़े गुरु भाई मेरे लिए माँ का दर्जा रखते हैं, पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रसून मधुसूदन महाराज जी, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो खुद साथ में रह के ये बात मुझे सिखाया। तुम अंदर रख लेगा, छिपा देगा और सोचेगा कि गुरुजी को नहीं पता चलेगा, ये तुम्हारा भूल है। गुरुदेव को सब पता होता है, लेकिन अगर तुम कपट करोगे तुम्हारा क्षति है। मुझे कभी गुरुजी के सामने ऐसी कुछ बोलने का स्थिति आया नहीं, क्योंकि मैं बहुत डर डर के चलता था। लेकिन इतना ज़रूर था मन में कि गुरुजी के सामने कभी भी कोई भी वस्तु को गोपन नहीं रखना है, एकदम ट्रांसपेरेंट रखना, तभी कृपा होता है। महाराष्ट्र ने ये बात सिखाया। और अभी नारद जी के सामने व्यास जी भी उसी प्रकार से एकदम ट्रांसपेरेंट रह के उनको बता दिया कि मुझे जो है संतोष नहीं है, इतना कुछ तो मैंने किया। और ये बात सही है, एक आदमी इतना मेहनत करे धर्म के लिए, लिखे कि ये करेगा तुम्हारा धर्म सिद्धि होगा, नहीं मुझे अर्थ चाहिए, बोलते ठीक है ये काम करो तुम्हारा अर्थ सिद्धि होगा, तीसरा बोल रहा है कि नहीं मुझे काम सिद्धि चाहिए, मुझे अपना स्वसुख वांछा ही मेरे लिए प्रदान है। और व्यास जी ऐसे गुरुदेव है, ऐसे दयालु है, उसकी भी व्यवस्था कर दिया कि जा ये करोगे तुम वो भी तुमको मिल जाएगा। और अंत में किस प्रकार से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा उसके बारे में भी अच्छी तरह से उन्होंने रचना कर दिया। इतना कुछ करने के बाद भी जब लोगों को देख रहे हैं कि सारे तो दुखी है, सब दुखी है, क्योंकि लोगों को दुख देख के उसका दुख निवारण करने के लिए ही तो ये सब किया, फिर भी दुखी है, तो ये भी दुखी है। संत ऐसा ही होता है, पर दुखे दुखी, दूसरों का दुख से दुखी होता है। श्री गुरु महाराज जी को कितने बार देखा गया है, जब कोई गुरुदेव के पास जाके अपना दुख सुनाता है गुरुदेव का हृदय पिघल जाता था। ऐसे कष्ट दूसरे को होता था लेकिन गुरुजी जो है अपने ऊपर लेते थे हमेशा। ऐसा अभी हमने घटना भी सुना किस प्रकार से स्वयं गुरु महाराज जी को भी रहने के लिए इतना छोटा सा स्थान है, वो स्वयं गुरु महाराज जी के लिए भी वो बहुत छोटा सा स्थान है। और उसके बाद जब एक व्यक्ति आया उसके लिए गुरुदेव वो स्थान भी खाली कर रहे हैं ताकि उसको सुख हो, वो आराम से रह सके। कितनी दयालुता है, स्थूल रूप से भी आंतरिक रूप से भी हर तरह से अपने आश्रित जनों का कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। आश्रित जनों का कष्ट को भैया ये बात स्मरण रहना चाहिए, आश्रय लेना पड़े। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाहित्य, आश्रय लैया भजे तारे गुरुदेव नाहित्य। और गुरुदेव तो इतने दयालु हैं, आश्रय लेने का अभिनय करने वाले को भी अपना लेते हैं। ये और कोई नहीं कर सकता। नाटक करके भी कोई अगर गुरुदेव के पास चला जाता है उसके नाटक के अंदर भी जो है उसको देख के भी दयालु हो जाते हैं। भगवान ऐसे दयालु होते नहीं है। भगवान बोलते नाटक करता है चल, लेकिन गुरुदेव बोलते कोई बात नहीं नाटक ही कर रहा है, लेकिन
कुछ तो कर रहा है, आ जाता हूँ। इसीलिए ये तिथि की इतनी विशेषता है, गुरुदेव की इतनी विशेषता इसीलिए होता है। सब जानते हुए द्रोणाचार्य जानते थे दृष्टद्युम्न का जन्म केवल उनको मारने के लिए हुआ था, और द्रुपद स्वयं दृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास ही भेजा विद्या का अध्ययन के लिए, जानते हुए भी ये बड़ा होकर के युद्ध में मेरा ही वध करेगा, तब भी द्रोणाचार्य ने उनको सारी शिक्षा दी है। वो गुरुस्थान ही कुछ ऐसे होते हैं, कई बार हमको लगता है वो इतना बेकार है, ये उतना बेकार है, गुरुजी बोल रिएक्ट क्यों नहीं करते, उसका कारण ही है। हमारी स्थिति अलग है, गुरुदेव की स्थिति अलग है। गुरुदेव जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति से अगर हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि गुरुदेव की दयालुता क्या होता क्या। हमको अजम होता नहीं, वो हमारी अपनी परेशानी देखा जाए तो, लेकिन गुरुजी का स्तर अलग है। जो हो, नारद गोस्वामी ने देखा कि अरे, इसीलिए हरिनाम अच्छे से करना होता है। गुरुजी ने हरिनाम दी माला कहीं रख देते कैसे चलेगा ये। नारद गोस्वामी जो है वो उनसे पूछते हैं क्या हुआ, शरीर संबंधी आत्मा मन संबंधी आत्मा दोनों कुशल से हैं? बोलते आप तो सब जानते ही हैं, मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल ठीक नहीं है, मैंने कितना कुछ अच्छा किया। और व्यासदेव ने अपने अनुभूति को प्रकाशित करते हुए जितना उनको अनुभव हुआ, जैसे उन्होंने सब कुछ वहाँ पर प्रकाशित किया, लोक हित के लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्या करूँ। नारद जी क्या बोलते हैं, जो दूसरों को दुख दिया है वो स्वयं सुखी कैसे रह सकता। बोलते दुख दिया, इतना कुछ तो अच्छा किया मैंने। बोलते हैं वासना के अग्नि में ये संसार का जीव जला जा रहा है, और तुमने क्या किया, ये सारे उपाय करके उसमें घी डाल दिया। लोग धर्मार्थ काम मोक्ष के वांछा में जल रहे हैं, इनको ही पुरुषार्थ समझकर इन्हीं की प्रयोजन के उद्देश्य से जले जा रहे हैं, और तुमने क्या किया, घी डाल दिया उसमें, चल ये करेगा ये मिलेगा, ये करेगा वो मिलेगा। बोलते जो दूसरे को दुख दे रहा है वो सुखी कैसे हो सकता है। निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण के उद्देश्य से जिस महापुरुष ने इतना कुछ किया वो भी सुखी नहीं है, दिखा रहे हैं देखो मैं भी सुखी नहीं हूं। कारण क्या है, सही वस्तु का अवदान ना होने पर दाता ग्रहीता कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। इसीलिए जो दान किए जाने वाला वस्तु वो भी सही होना चाहिए, और ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी सही होना चाहिए। दाता ग्रहीता दोनों ही ठीक रहना जरूरी है, और वस्तु भी। वो लोग वासना के भूख में तड़प रहे, तुमने उनको जला दिया, अब मैं क्या करूं। वो बोलते पंचम पुरुषार्थ के बारे में तुम उन लोगों को बताओ। बोले पंचम पुरुषार्थ क्या होता है। बोलते इन सबसे ऊपर भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम की बात तुम बोलो। बोलते भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम। बोलते मैंने बोला कहाँ पे। बोलते महाभारत में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया। व्यास जी को नारद जी ने कहा था भगवान की दिव्य लीला का वर्णन करो जिससे कि प्रेम उदय हो। उन्होंने बोला कि मैं तो महाभारत में कृष्ण लीलाओं का उल्लेख किया था। अगर आप बोलते हैं कृष्ण की लीला भगवान की लीला ही वर्णन करना है, तब नारद गोस्वामी उनसे कहते कि देखो तुम्हारा उद्देश्य सही नहीं था, तुम्हारा उद्देश्य सही नहीं था। ये चीज हमें एक कथा के माध्यम से शिक्षा बहुत कुछ मिलता है। हम अगर भगवान के बारे में बोल ही रहे हैं लेकिन अगर हमारा उद्देश्य कुछ और है, तो वास्तविकता में हमारा वो कीर्तन में सिद्धि नहीं है, हो नहीं सकता।
बोलते तुम भगवान की महिमा को कीर्तन करते हुए भी तुम्हारा उद्देश्य क्या था? मोक्ष था। इसीलिए गुरुजी भी हमेशा बोलते हैं हृदय से बोलो, मुख से न धनम न जनम न सुंदरीम बोलने से नहीं होगा। कुछ बोलते हृदय से बोलो, यहां से बोलो। बोलते बोल सकेगा? पूछते हैं गुरुजी, और सच में कौन बोल सकता है? आसान नहीं है ये बात बोलना। यहां से बोल देते न धनम न जनम न सुंदरीम न कविताम व जगदीश काम है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। गुरुजी तो हमेशा बोलते हैं यहाँ धन जन नाई मांगूं कविताम सुंदरीम शुद्ध भक्त देह मोरे कृष्ण कृपा करके। बोल सकता अगर मुख से बोल रहे हैं और अंदर में किसी अन्याभिलाष है तो वो कभी भी वस्तु सिद्धि हमें नहीं करा सकता है, वो चाहे भगवान का ही नाम क्यों ना हो। अगर वो ही हो जाता तो महाभारत के अंदर भगवान की जो लीलाओं का वर्णन किया गया है व्यास जी के द्वारा वही पर्याप्त होता, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला तुम भगवान का महिमा को कीर्तन करो, महिमा को कीर्तन करो। उन्होंने उनसे कहा महिमा कीर्तन करो। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी के अंदर जब रचना कर रहे थे व्यास जी ने एक बात कहा, उसके पूर्व व्यास जी नारद जी से कहते कि गुरुदेव उसके पूर्व व्यास जी ने नारद जी से कहा कि गुरुदेव मैं जो हूँ आपके इस सेवा करने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ, आप किसी और शिष्य से ये कार्य को करवाइए। तब नारद गोस्वामी ने उनको जोर दिया कि तुम्हें ही करना है ये काम। कारण क्या है? वो उसी कार्य को करने के लिए आए। व्यास जी का वास्तविक आगमन के पीछे का कारण ही यह है, भगवान को, भगवान के श्रीनाम को, शब्द ब्रह्म को उन्होंने प्रकट करना था। इसके पूर्व जो विग्रह रूप में है, जो इसके पूर्व नाम रूप में है, इसके पूर्व जो उनके स्वस्वरूप में है, वही शब्द ब्रह्म भगवान को उन्होंने लिपिबद्ध करके ग्रंथ के रूप में प्रादुर्भूत कराना था। इसीलिए अगर हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम को क्या माना जाता है, स्वयं भगवान के रूप में माना जाता है। भागवत सिर्फ किताब नहीं माना जाता, भागवत को शब्द ब्रह्म साक्षात भगवान के रूप में माना जाता है। और वही उनसे उनको आदेश देते कि तुमने ही करना है, ठीक है गुरु आज्ञा। अब जब वो रचना करने लगे थे उन्होंने एक बात बोल दिया, बोलते भागवत जो आज मैं रचना करने जा रहा हूं, जो प्रकट होने जा रहा है, ये भागवत किसके लिए है? ये बोलते धर्मार्थ काम मोक्ष आदि वांछा को जिसने तुच्छ जानकर उससे आगे बढ़ने का संकल्प किया है उसके लिए है। ऐसे मात्सर्यहीन व्यक्ति, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्ष वांछा वाले व्यक्ति जो कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि के द्वारा ग्रस्त रहने के कारण वो लोग भगवत प्रेम, उस विशुद्ध प्रेम को अपने हृदय के अंदर जागृत करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसीलिए व्यास जी महाराज वहां पर बोल रहे हैं धर्मार्थ काम मोक्ष वांछा को जिसने कूड़ा करकट जानकर फेंक दिया है, दूर में फेंक दिया, बोलते वही इस भागवत धर्म को समझने के लिए आगे आए।
और ये भी बता दिया स्पष्ट रूप से, जो मैं भागवत जी की बात यहाँ पर बतला रहा हूँ ये क्या है, बोलते हैं अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया वो धर्म है, लेकिन आज जो भागवत जी के बारे में जो मैं बतला रहा हूँ वो क्या है, परधर्म, श्रेष्ठतम धर्म है। इसलिए बोल दिया सवै पुंसा परो धर्म यथा भक्तिर अधोक्षज, भगवान की जो भक्ति ही धर्म के ऊपर की बात है, परधर्म की बात, श्रेष्ठतम धर्म की बात है। उस श्रेष्ठतम धर्म की बात को इस जगत के आगे रख के जगत का दुख निवारण करने के लिए ही व्यास जी का आगमन हुआ है, इसलिए वो सबके गुरु हैं। उन्होंने अपने लेखनी के अंतिम श्लोक में, उन्होंने इसके बाद और कुछ लिखा ही नहीं, ऐसे परम पूज्यपाशल भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण किया था भागवत का ये अंतिम श्लोक के रूप में उन्होंने, जबकि भागवत जी का अंत नहीं होता, जिस प्रकार से भगवान का आदि मध्य अंत नहीं होता उसी प्रकार से भागवत जी का भी ना आदि है ना मध्य है ना अंत है, लेकिन उन शब्दों को जिसको संकलित किया गया है परमहंस गुण चिवड़ामणियों की अनुभूतियों को, इसीलिए भागवत जी का एक नाम परमहंस संहिता भी है। वो भगवान के उत्तम श्लोक जो जन होते हैं प्रियजन, उनकी अनुभूतियों का एक संकलन के रूप में भी उसको देखा जाता है। उसी के अंत में उन्होंने एक बात बतला दी, नाम संकीर्तनम यस्य कलौ सर्व पाप प्रणाशनम, कलौ मतलब कलयुग के अंदर, इस घोर कलयुग में जिसमें हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं उस समय, अभी तो हम प्रवेश कर चुके हैं, ऐसा बोलते हैं नाम संकीर्तन, केवल भगवान का नाम संकीर्तन एकमात्र ही यस्य जिनका, सर्व पाप प्रणाशनम तमाम प्रकार के पापों को सम्यक रूप से ध्वंस करने वाला है, इसलिए बोलते हैं प्रणामो दुख शमनम, मैं नमन करता हूं ऐसे दुखों को शमन करने वाले दिव्य श्री नाम, जो कि स्वयं हरि ही उस रूप से प्रादुर्भूत हुए हैं। दुख निवारण का अगर कोई उपाय है, परम शांति का कोई उपाय है, तो वो केवल भगवान का नाम है। इस शिक्षा को जगत को देकर जगत कल्याण करने के लिए व्यास जी महाराज आज ही के तिथि में प्रादुर्भूत हुए हैं, अवतीर्ण हुए हैं, ये विशेषता है। इसीलिए स्वयं उन्होंने अपने आप को उस दुख के मध्य में रखकर उससे फिर निवृत्त किस प्रकार से हुआ जाता है उसके बारे में जगत को शिक्षा दे रहे हैं। आज उन्हीं का आविर्भाव तिथि है, इसीलिए व्यास जी को कर्मी, ज्ञानी, योगी, सारे सबके सब तपस्वी, क्योंकि जितने भी शाखाएं निकला उन शास्त्रों में से, उस विस्तार में से, वो सब व्यास जी से ही आरंभ हुआ है। इसीलिए व्यासदेव जगत गुरु हैं, सभी के गुरुदेव है, इसीलिए व्यास जी के सम्मान में इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आज की तिथि को व्यास जी के अभिन्न स्वरूप गुरुपाद पद्म है, इसीलिए आज की तिथि में हर शिष्य अपने गुरुदेव का महिमा कीर्तन करता है। मूल में तो ये व्यास जी का तिथि है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन निश्चित रूप से व्यासदेव को हमें स्मरण करना चाहिए, वो मूल गुरु हैं, और हमारे परंपरा के तो है ही, सभी परंपराओं का वही मूल गुरु है। कोई भी सांप्रदाय हो, चाहे वो अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, द्वैतवादी, अचिंत वेदा में जो कोई भी सिद्धांत का पालन करने वाले साधक हो या सिद्ध हो, सभी का वास्तविकता में मूल गुरु है जगत गुरु वेदव्यास जी महाराज। उन्होंने पंचम पुरुषार्थ को क्या किया, उन्होंने पंचम वेद के रूप में प्रकाशित करके जगत के आगे दे दिया। क्यों, वेदिश्च सर्वमहमैव वेद वेदांत कृत वेद विदेचाह, स्वयं भगवान ही मूर्तिमान वेद है, वेद मतलब भगवान है, वेद मतलब ज्ञान है, और भगवान अद्वैत ज्ञान तत्व है,
साधारण व्यक्ति के बुद्धि के परे वस्तु है, लेकिन गुरुदेव कौन होते हैं? ऐसे स्थित वस्तु को भी एक साधारण से बद्धजीव के जीवन में सुलभ बना दे, वही गुरुदेव होते हैं। वो उस वस्तु को सुलभ बना दे, वही गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव कभी भी परमार्थ को कॉम्प्लिकेट नहीं करते। जो कॉम्प्लिकेट दिखने वाले जो तत्व होते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके शिष्य के मंगल के लिए आगे कर देते हैं। ये विशेषता है। आप देखेंगे नारद गोस्वामी ने किस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि को कितने सरलता के साथ उन्होंने भगवान का नाम का उपदेश दिया। हम श्रवण करते हैं हरिदास ठाकुर ने किस प्रकार से उस माता को जो उनके ऊपर कलंक लगाने के लिए आई है, उनको भी किस प्रकार से सरल साधन बताकर उसका भी उद्धार कर दिया। गुरुदेव वो वस्तु होते हैं। इसलिए व्यास जी भी इसी प्रकार से हर चीज को उसमें से निकाल कर जगत के हित के लिए, क्यों? क्योंकि आयु बहुत कम है कलयुगी जीवों का। वो अगर अपने आत्मकल्याण के मार्ग का अनुसंधान करने के लिए बैठेगा, खोज करने बैठेगा, जब तक वो एक निष्कर्ष पे पहुंचता है, उसका जीवन समाप्त हो चुका होगा, है ना? उम्र कम है, बुद्धि कम है, सब कुछ तो कम है कलयुगी जीव का। इसीलिए उन्होंने विचार किया कि वेदों को समझने का सामर्थ्य ये कलयुगी जीवों के अंदर नहीं है, इसीलिए मुझे इनके मंगल के लिए पंचम वेद को प्रकट करना है। वो क्या है? इतिहास पुराणं च पंचम वेद उच्यते। वो इतिहास और पुराण ही पंचम वेद है, और ये इतिहास पुराण आदि चारों वेदों का सभी का सार अगर कुछ है, वो श्रीमद् भागवत जी है। बोल दिया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखम काद अमृत द्रव्य संयुक्त। सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से स्पर्श होकर के निकल तो रहा है, लेकिन यह निकलने वाला वस्तु क्या है? ये एक निगम जितने भी है, वेद जितने भी है, वेदांत जो कुछ भी है, उन वो अगर एक कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत जी है। वही श्रीमद् भागवत जी को, मतलब वेद रूपी वृक्ष का बीज को डालकर उसको सिंचन करके उसको बड़ा करके उसमें से श्रीमद् भागवत जी का फल को प्रसव कराकर उसको तोड़कर जगत के आगे रख दिया कि इसको खा लो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। इतना महान कार्य जिस विभूति ने की है, वही श्री वेदव्यास जी महाराज है। आज उनका आविर्भाव तिथि है, इसी कारण से आज का तिथि को हम लोग गुरुदेव को स्मरण करते हैं, क्योंकि गुरुदेव ही वेदव्यास है, वेदव्यास ही गुरुदेव है, ताकि हमारा नित्य मंगल हो सके। और इतना ही नहीं, हमारे पूर्वाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय परिकर जो श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला के अंदर विशेष जिन्होंने भूमिका निभाया, वो श्री सनातन गोस्वामी पाद, जो कि व्रजजनों के अपने आप्त बंधु, उनका आज तिरोभाव तिथि है। सनातन गोस्वामी हमारे लिए बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते, क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के अंतर्गत तीन चीजों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख हुआ। सारे शास्त्रों के अंतर्गत वो है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अक्सर लोग इस चीज को समझने में थोड़ा सा रुचि नहीं दिखाते, लेकिन वास्तविकता में बड़े ही अगर हम ध्यान पूर्वक Yeah.
बड़े ही ध्यान पूर्वक अगर हम विचार करते हैं तो शास्त्र वास्तविकता में ये तीन चीजों का शिक्षा देता है, संबंध अभिधेय प्रयोजन का। और वही संबंध अभिधेय प्रयोजन की शिक्षा जगत को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने तीन प्रियजनों को चुना, जिनके माध्यम से उन्होंने इस जगत को वो शिक्षा प्रदान किया। उनमें से श्री सनातन गोस्वामी पाद, उनको अवलंबन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगत को संबंध ज्ञान बड़े सुंदर तरीका से उन्होंने बतलाया। कहां इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ? काशी में, जहां पर व्यक्ति जीव को ही ब्रह्म के रूप में मानते हैं, जीव ब्रह्म में कोई भेद नहीं देखते हैं, जहां पर अहम ब्रह्मास्मि वाली बात चलता है, उस स्थान के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आगे रखकर इस संसार को संबंध ज्ञान का शिक्षा प्रदान किया। अगर संबंध ही नहीं है तो प्रयोजन कैसे सिद्ध हो सकता है? और अगर संबंध ही नहीं है तो एक साधक के लिए अभिधेय निर्णय कैसे हो सकता है? इसीलिए सबसे मुख्य वस्तु है वह संबंध। और इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा श्री चैतन्य देव ने इस संसार को देने के लिए सनातन गोस्वामी को अपना उपलक्ष्य बनाया, निमित्त बनाया। आज वही सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव तिथि है। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों का दर्शन को प्राप्त करके उनके अंदर संसार के प्रति विरक्ति आ गया, उनके अंदर विरक्ति आ गया उनका दर्शन करते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा के लिए निकले, उनके पीछे पीछे असंख्य भक्तों का जाना, उस स्थान का जो राजा है हुसैन सा, उसको बड़ा चिंता का कारण बना दिया। उनको ऐसा लगा कि ये काफिरों का समाज इतना सारा इकट्ठा होकर कहाँ जा रहा, उनको लग कहीं हम पे आक्रमण तो नहीं करेगा। इसलिए रूप सनातन गोस्वामी को देखने के लिए छद्म वेश में वहां पर भेजा। उसके पूर्व श्री सनातन गोस्वामी, जिनको राजा ने प्रेम से साकर मल्लिक नाम रखा था और रूप गोस्वामी जी को दबीर खास नाम रखा था, और ये दोनों ही भाई श्री सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं और वो प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान थे, और रूप गोस्वामी वित्त मंत्री के स्थान पे विराजमान थे। अब दोनों ही भाई छद्म वेश में वहां पे पहुंचते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के, और उनका दर्शन करने के बाद उनका हृदय इस प्रकार से विभोर हो गया कि अब वो लोग संसार उनको अच्छा नहीं लग रहा है। मिले, वार्तालाप किया और महाप्रभु को उन्होंने बताया कि वृंदावन जाने का ये परिपाटी नहीं है, लाखों लोगों को लेकर के जाना। और श्री चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी का ये बात इतना अच्छा लगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी बात को इतना मूल्य दिया कि उन्होंने सभी को वहीं से वापस कर दिया, ये बोल के कोई साथ जाएगा नहीं हमारे। दो एक भक्तों को लेकर वो वृंदावन के लिए वहाँ से आगे निकल पड़े। महाप्रभु गए तो हैं, लेकिन महाप्रभु जाते हुए रूप सनातन गोस्वामी के हृदय में अपने आप को बिठा करके चले गए हैं। अब इन दोनों भाइयों को कुछ अच्छा नहीं लगता, क्या करें,
जबकि राजा यद्यपि ये दोनों ब्राह्मण परिवार में इनका आविर्भाव हुआ, लेकिन इनका तेज तीक्ष्ण बुद्धि को देखकर, इनकी न्यायशीलता को देखकर राजा ने उन दोनों को ही अपने राज्य के सबसे उच्चतम पद पर रख दिया। और अभी क्या होता है, दोनों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चिंता किसको बढ़ गया, राजा को, क्योंकि उसका राज्य अब सुरक्षित उसको दिखलाई नहीं दे रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं पीछे से, रूप गोस्वामी ने प्रधानमंत्री के आगे इस्तीफा देकर वो वहां से चले गए, इसीलिए हम लोग रूप गोस्वामी का नाम पहले लेते हैं, यद्यपि वो छोटे भाई हैं, लेकिन रूप गोस्वामी का नाम पहले इसलिए लेते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में वही पहले आए हैं। कहां पे आए थे, प्रयाग में, और पीछे से सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हैं, बैठ के अपने कार्यालय में जाना छोड़ दिया, और यहां बैठ के भक्तों को बुलाकर भागवत पाठ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि महाप्रभु के संग से उनको यह बात समझ में आया, महाप्रभु के संग से उनको यह समझ में आ गया कि जो है भागवत पाठ करना है, लेकिन स्वतंत्र होके नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका समर्थन नहीं किया, इसलिए बोले जाओ भागवत पढ़ो, भक्तेर स्थान है। इसीलिए अगर ग्रंथ भागवत को समझना है, एक बदजीव अपने प्रयास से कभी भी नहीं समझ सकता, उसको क्या करना होगा, भक्त भागवत के पाद पद्म में आश्रित होकर उस ग्रंथ भागवत को समझना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन और उनके द्वारा वार्तालाप से सनातन गोस्वामी को ये बात समझ में आ गया, उन्होंने भक्तों को बुलाकर बोलते भागवत पाठ कीजिए, वो वहां भागवत पाठ करे जा रहे हैं। और क्या करते हैं, बोलते पुरुष चरण कीजिए, मंत्र जाप करवा रहे हैं, चारों तरफ पूजाएं करवा रहे हैं, क्या क्या करवा रहे हैं। राजा पूछते हैं वो कहाँ है, साकर मल्लिक दिखाई नहीं देता, वो बोलते वो कह रहे हैं उनका तबीयत ठीक नहीं है। अब राजा उनको अपना छोटा भाई की तरह मानते हैं, हुसैन शाह, वो क्या किया, देखने के लिए गया कि अरे स्वास्थ्य ठीक नहीं, जल्दी ठीक हो जाओ, जैसे होता है लोग जाते हैं। वो घर जाके देखा तो वहाँ ब्राह्मण वैष्णव सबको घेर के बैठा है और वहाँ हरिनाम कर रहे हैं और भागवत चर्चा कर रहे हैं। उसको समझ नहीं आया राजा को, ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया अचानक। बोलते क्या हुआ, बोलते कुछ नहीं है, अरे मुझे अभी नौकरी करने का मन नहीं है। तो नहीं है, काम पे आएगा कि नहीं, बोलते नहीं। बोले कारागार में डालो, सीधा उठा के जेल में डाल दिए। सनातन गोस्वामी जेल में चले गए हैं। राजा को भी दुख हो रहा है क्योंकि प्यार बहुत करता था, लेकिन वो भी असहाय महसूस कर रहा है, इसीलिए जेल में डाल दिया। अब राजा उत्कल देश के ऊपर आक्रमण करने जा रहा था, सनातन गोस्वामी को बोलते तुम चलेगा मेरे साथ। सनातन गोस्वामी बोलते जगन्नाथ देव के स्थान पे जो आक्रमण करने जाएगा वहां मैं नहीं जाऊंगा। बोलते तब तो तुम जेल में ही रहेगा। उसको जेल में, उनको जेल में रखकर ये निकल गए अपना आक्रमण करने। पीछे से सनातन गोस्वामी कारागार के जो बंदी गृह का जो अध्यक्ष है उसको धन का प्रलोभन देकर वहां से निकल गए हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी जाते जाते उनके लिए काफी सारी अशर्फियां रख के चले गए और उनको एक पत्र भी भेज दिया जिसमें लिखा हुआ है परोक्ष रूप से कि आप जो है ये पैसा देके अपने आप को छुड़ा लो। बहुत सारा धन देने का जब प्रलोभन दिखाया गया, वो जेल का जो बंदीखाना का जो इंचार्ज है, अध्यक्ष जो भी है, उसने उनको वहां से निकाल दिया। श्री सनातन गोस्वामी अपने एक सेवक को साथ लेके, जिनका नाम था ईशान,
वो क्या करते हैं, वहां से निकल के महाप्रभु से मिलने के लिए भाग रहे हैं। अब भाग रहे हैं, पहाड़ों के रास्ते से चल रहे, एक गांव के अंदर कुछ लुटेरे उनको रोक लेते क्योंकि उनको पता चल गया इनके पास कुछ पैसा है। सनातन गोस्वामी ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बने, उनका बुद्धि बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है। इसीलिए सनातन गोस्वामी ने ईशान से पूछा, तुम्हारे पास कुछ अशर्फियाँ रखा है? बोलते हाँ। वो कितना है निकाल के दे दो। सारे निकाल के दे दिया, एक को छिपा के रख लिया, यही है। बोल क्यों, सनातन गोस्वामी ने वो सारी अशर्फियाँ निकाल कर उन लुटेरों को दे दिया और बोला हमारे पास यही सब कुछ है, आप कृपया इसको स्वीकार कीजिए और हमें मुक्त कीजिए, हमें जाना है। वो लोगों ने बोला आपने अपने आप दे दिया, इसीलिए हम आपको जाने देते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं एक सिक्का आपने छिपा के रखा है। तब सनातन गोस्वामी को पता चला कि ईशान ने एक सिक्का छिपा के रख दिया। वहां से जैसे ही निकले, सनातन गोस्वामी का वैराग्य की पराकाष्ठा अगर हम देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ईशान को बोलते हैं तुमको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, तुमको ये लग रहा है कि ये स्वर्ण मुद्रिकाएं हमारी रक्षा करें, तुमने छिपा के रख लिया, उसी एक मुद्रा को लेके तुम वापस चले जाओ। वैराग्य मतलब है कि पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में समर्पण। वहां पर यह नहीं हो सकता कि कल के लिए कुछ रख लूंगा, परसों के लिए कुछ रख लूंगा, ना। सनातन गोस्वामी उस स्तर के वैराग्य को अपने हृदय में धारण करके आगे की यात्रा किया, साधारण बात नहीं था। साधारण बात नहीं था। और अकेले सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलन करने के लिए क्या करा, उन्होंने काशी में आकर चंद्रशेखर आचार्य जी के जो गृह है उसके बाहर खड़े हो गए। फकीर जैसा वेश, बड़ा बड़ा दाढ़ी, उनका ऐसा अवतार था। अंदर बैठे हुए श्री चैतन्य महाप्रभु आनंद में विभोर हो रहे, क्योंकि भगवान सर्वांतर्यामी है, वो जहाँ पे भी है अपने भक्त को देख सकते हैं। आज जब चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं कि घर के बाहर मेरे अत्यंत प्रिय भक्त मेरे से मिलने के लिए आया, वो आनंद में विभोर होके आचार्य से कहते हैं कि जाके बाहर कोई वैष्णव आया लेके आओ। वो बेचारे बाहर आए, चारों तरफ देखा, बोलते कोई तो वैष्णव दिखता नहीं। ऐसा कोई तो वैष्णव दिखता नहीं, अंदर आ गए, बोलते कोई नहीं है, बोलते कोई तो होगा, बोलते हाँ एक फकीर सा है कोई, बोलते उसी को लाओ। जैसे ही अंदर लेके आए, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर लोटपोट होने लगे थे और महाप्रभु भी प्रेम में गदगद होकर उनको अपने अश्रुओं से भिगो दी और महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं और आचार्य ऐसे देखते कि हो क्या रहा है। फिर महाप्रभु ने उनसे कहा आप इनको भद्रवेश मतलब साफ करके लेके आना, मतलब साफ सुथरा करके लाने के लिए बोला, क्योंकि ये लंबा लंबा दाढ़ी है ये सब है। बोलते वो सब निकाल के ये रख के लेके आने के लिए बोला। और इसी के बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आने से पहले रास्ते में सनातन गोस्वामी का बहनोई ने देखा इतने बड़ा व्यक्ति सब कुछ छोड़ के वैरागी बन के जा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने एक सुंदर सा बड़े ही कीमती कंबल एक उन्होंने उनको दे दिया, एक कंबल दे दिया। तो कंबल को लेके सारे कपड़े मलीन हैं, सिर्फ एक कंबल नया है एकदम, उसको कंधे पे रख के वहाँ पहुँच गए। महाप्रभु ने उनको वेश बदलने के लिए बोला। उन्होंने क्या किया, वहाँ पर तपन मिश्र से प्रार्थना करते हैं
बोलते हैं आपका व्यवहार किया गया पुराना वस्त्र चाहिए, नया कपड़ा ही नहीं पहना। बोलते पुराना कपड़ा आपका व्यवहार किया हुआ दे दीजिए, और उसी को दो टुकड़ा करके एक रख लिया एक लपेट लिया। फिर वही कंबल को ऊपर डाल के महाप्रभु के पास आ गए। महाप्रभु उनको ऐसा देखा है, ये जो बुद्धिमान होते हैं जो चतुर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो नज़रों से समझ जाते हैं। उसी समय बाहर जाके एक भिक्षुक के पास पड़ा हुआ पुराना जो कंथा है उसको ले लिया और अपना ये नया कंबल उनको सेवा में समर्पित करके महाप्रभु के पास आए। फिर महाप्रभु ने के पास आने के बाद महाप्रभु से वो प्रश्न करते हैं, क्या बोलते हैं, के यामी, मैं ये जानने के लिए आया आज कि मैं कौन, क्योंकि मुझे इतना कुछ पता लेकिन ये नहीं पता कि मैं कौन, इसीलिए मैं आज दुख पा रहा हूँ। हमको भी बहुत कुछ पता है लेकिन एक चीज़ नहीं पता कि हम हैं कौन, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, इसी कारण से हमारे जीवन में भी दुख है। उसी समय महाप्रभु ने उनको संबंध ज्ञान का शिक्षा देकर क्या किया, अपने साथ ही रखा। लेकिन महाप्रभु हमेशा, अभी तो एक भी बज गया समय नहीं, शाम को आदिकेशव प्रभु उसके ऊपर पाठ करेंगे संबंध ज्ञान आदि चीज़ों को लेके। लेकिन जब वो उन्होंने क्या किया, अपने पास रखा, पूरी में भी लेके गए। अब क्या होता है, उनके शरीर में रोग है एक, जिसके चलते पीक निकलता रहता है। महाप्रभु जब भी उनको देखते हैं, आलिंगन करते हैं, उससे वो दब कर वो पीक निकल के आता है, वो महाप्रभु के श्रीअंग में भी लगता है, जिसके चलते वो बड़े दुखी होते थे। उस समय उन्होंने सोचा रथ के आगे खुद जाऊंगा। फिर उसके बाद जगदानंद ने उनको उपाय बताया कि तुम वृंदावन चले जाओ, तब भी महाप्रभु ने इतना प्रसन्नता व्यक्त नहीं किया। बाद में महाप्रभु ने अपनी इच्छा से ब्रजधाम के अंदर के लुप्त तीर्थों का उद्धार करने, सदग्रंथों का प्रचार प्रसार आदि को करने के लिए उन्होंने सनातन गोस्वामी को ब्रजधाम के अंदर भेज दिया। उसके बाद उनकी ब्रजलीला चला, बड़ी सुंदर उनका जीवनी है। आज उनसे भी कृपा प्रार्थना करते हैं, वो हमारे पूर्व गुरु हैं। वो नहीं होते तो हमको संबंध ज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता चलता। संबंध ज्ञान प्रदाता ही गुरुदेव है। गुरुजी अक्सर मंगलाचरण में बोलते हैं संबंध ज्ञान प्रदाता, भगवान के सेवा में अधिकार प्रदान करने वाले गुरुदेव है। इसलिए सनातन गोस्वामी हमारे गुरुदेव हैं, जैसे रूप गोस्वामी हमारे गुरुदेव हैं, और वही सनातन गोस्वामी हमारे परमाराध्य गुरुदेव और गुरु परंपरा के अभिन्न रूप से हमारे सामने वर्तमान विराजमान हैं। हम लोग गुरु परंपरा से कृपा प्रार्थना करते हैं, वो हम पर कृपा करें। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव हर क्षण हर पल हमारे हृदय के अंदर प्रकाशित होती रहे, जैसे कि श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने उपदेश दिया था, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।